एक जिला एक उत्पाद सीहोर लकड़ी के खिलौने तथा हस्तशिल्प एक्सक्लूसिव एम्पोरियम का शुभारंभ हुआ। रमाकांत भार्गव सांसद विदिशा लोकसभा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। गरिमा में उपस्थिति मनु श्रीवास्तव IAS प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा चंद्र मोहन ठाकुर IAS कलेक्टर सीहोर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव IAS आयुक्त हथकरघा सह प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल। मैम जो खिलौने हमें बुधनी रेलवे फाटक पर मिला करते थे, जो खिलौने बुधनी रेलवे फाटक पर मिला करते थे, फाटक बंद होने से खिलौने नहीं मिल पा रहे थे। आज आपने भोपाल में उपलब्ध कराए हैं, किस प्रकार खिलौने रहेंगे और क्या सुविधाएं रहेंगी? उनको हम अच्छे से अच्छे मार्केटिंग फोरम इसी सिलसिले में हमने आज ये नया खोला है, जो सीहोर जिले के एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट जो है लक्ष्य की खिलौने एवं हस्तशिल्प जिनको बुधनी टॉयज के नाम से भी जाना जाता है, उनके लिए ये हमारी स्थायी अपडेट है। और हमारी कोशिश है कि बाहर महल में जितने भी लोग आते हैं यहाँ विभिन्न लगते रहते हैं, तो उनमें जो आने वाले लोग हैं भोपाल के नागरिक हैं या भोपाल में आने वाले टूरिस्ट हैं, उन सबको ये सुंदर खिलौने जो है ये यहीं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारी कोशिश है कि जो हमारे कारीगर हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जा सके। इसके अलावा हमने 2 तारीख को भी खादी है उसके अंतर्गत एक नया एम्पोरियम चालू किया है रविशंकर नगर भोपाल में, जहाँ पर दतिया जिले के ओडियो की उसको रखा गया है। भोपाल जिले के दाल भोपाल और जूट के प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं, तो इस तरह हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आउटलेट्स दें। पन्ना जिले में हमने 1 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर हमने एक एम्पोरियम बनाने का चालू किया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में हमने 5 दिन की एग्जीबिशन लगाई है स्थापना दिवस के अंतर्गत, और भोपाल हाट में हमारी एक एग्जीबिशन चल रही है जिसमें शाम को हम हमारे जो बहुत ही उत्कृष्ट व्यूवर्स और हमारे कारीगर हैं उनको राज्य स्तरीय कबीर पुरस्कार और विश्वकर्मा पुरस्कार देने जा रहे हैं। आज शाम को इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारी पद्मश्री होम पेंटिंग आर्टिस्ट दुर्गाबाई जी हैं, और अध्यक्षता कार्यक्रम की डॉक्टर लता मुंशी करेंगी जो मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान को प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा 7 जिले में हमारे ICTP योजना अंतर्गत आज से 2 माह की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें हम अपने कारीगरों को प्रशिक्षण देंगे और प्रोटोटाइप ट्रेनिंग कराएंगे। सभी जिलों में प्रदर्शनियां भी हम आयोजित कर रहे हैं। बाग का जो मुख्य कार्यक्रम है पीथमपुर में जो हो रहा है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री गए हैं, हमारे प्रमुख सचिव भी वहाँ गए हैं उस कार्यक्रम में, जिसमें GI टैग जो बनता है उसके अंतर्गत 7 कारीगरों को ऑथराइज यूजर के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और वहाँ पर टेक्सटाइल कमेटी जो GI को देखते हैं उसके प्रतिनिधि आए हुए हैं। जिला प्रशासन ने वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इकट्ठा किए हैं ऑथराइज यूजर बनने के, वो सब जो एप्लीकेशन हैं वो टेक्सटाइल कमेटी के प्रतिनिधि को हैंड ओवर की जाएगी। इस तरह हम प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जिससे हमारे ये 7 उत्पाद जो है और जो भी हमारे मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट हेरिटेज हमारे हथकरघा और जूट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जो भी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं हम बेस्ट पॉसिबल वो दे करके हम बेहतर मार्केटिंग फोरम्स और नए अवसर उपलब्ध करा सकें। भोपाल जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उससे ग्रामीण में कितना फायदा मिला और कैसा कैसे सीहोर जिले का जो उर्दू की चयन हुआ था वो बुद्धि के खिलौने थे, बहुत पुराने समय से बुद्धि खिलौने बहुत फेमस है, लोग खरीदते आ रहे हैं, तो आज उनको एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत आयोजित किया गया है निगम के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से, जो उनकी व्यापार मार्केट को पहुँचाने में बहुत सहायक हुआ और उनको उनकी आय बढ़ाने में सहायक हुआ, और ये लोग भी इसको जी बुद्धि घाट में ये जहाँ खिलौने बनते हैं वहाँ युवा इसमें एंगेज है, वो लकड़ी लाते हैं वहाँ से नए नए इंस्ट्रूमेंट ये सब खिलौने बनाते हैं, और जो खिलौने में उनका डिजाइन बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, उनको रोजगार मिलता है। कहीं की समस्या होती है लोन देने के लिए आती है ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग तो मेहनत करते हैं लेकिन कहीं में जाकर कहीं के मामला कहीं जाता है, इसमें क्या ज़्यादातर मामले क्लियर हो जाते हैं, अगर किसी में परेशानी आती है तो बैंक से समन्वय माध्यम से क्लियर किया जाता है। युवा है और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सब अपना अपना रोजगार दिवस भी आयोजित किया जा रहा है द्वारा, सब आगे बढ़े युवा नई नई टेक्निक का आगे बढ़े।